नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा, अपने बात कर रहे थे प्लस टू की फिजिक्स की, और अपने अब तक जो पढ़ा है इसके अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है सारा, और अब अपने जो बात करने वाले हैं वो सेकेंड चैप्टर की करने वाले हैं, जो अपना सेकेंड चैप्टर है गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग। पर कुछ एक बातें जो लास्ट में फर्स्ट चैप्टर के बारे में सबसे पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक दो बातें बसती हैं, जैसे बल आघूर्ण के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था कि टो वेक्टर इक्वल पीई साइन थीटा था, और टो वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर था। तो बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि थी? एक सदिश राशि थी जो P और E के गुणनफल के बराबर आ रही थी, सदिश गुणनफल के बराबर आ रही थी। एक तो ये सदिश राशि है, और इसकी दिशा अगर आप लोग ज्ञात करोगे तो आपको पता है कि दो सदिश राशियों का गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसकी दिशा मैथ के अंदर आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है कि इन दोनों के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, जो आप दक्षिणावर्ती पेच के नियम से ज्ञात कर सकते हो या दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हो। तो इन दोनों के तल के लंबवत बाहर की ओर किसकी दिशा होगी? टो वेक्टर की दिशा होगी। और अगर बल आघूर्ण के मात्रक की बात की जाए तो आपके पास में दो रास्ते, या तो आप यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो, अथवा आप लोग बल आघूर्ण के बारे में हमेशा से जानते हो कि बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, और जो दूरी है उसका मात्रक मीटर हो गया। तो न्यूटन इंटू मीटर से आप लोग क्या लिख सकते हो? इसका मात्रक लिख सकते हो। और इसके स्पेशल केस मैंने आपको बता दिए थे कि थीटा का मान जो है वो 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, और 90 हो सकता है। ठीक है, वो मान रख करके आप लोग क्या कर सकते हो? टो के बारे में बता सकते हो कि कब ये अधिकतम होगा और कब ये न्यूनतम होगा। एक दो बातें और बता देता हूँ जो कंप्लीट चैप्टर से जुड़ी हुई है। अब ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की बात नहीं है, ये आने वाले सभी चैप्टर्स की बात है, पूरी बुक की बात है। वो ये, एक तो ये कि जो अपने स्थिर आवेश होता है, जो स्थिर आवेश होता है, इस स्थिर आवेश की वजह से सिर्फ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आपको इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे तो बिल्कुल लास्ट में ये मेरा लिखा हुआ है कि स्थिर आवेश की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक बार एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछ लिया गया था कि गतिशील आवेश की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर एक समान गति कर रहा है अपना आवेश, यानी अपना आवेश क्या कर रहा है? एक समान गति कर रहा है, तो उस समय आपके पास में विद्युत क्षेत्र होगा, और प्लस क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ये बात जरूर याद रख लेना, यही पूछा गया था कि गतिशील आवेश की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये कर देते हैं कि जो स्थिर आवेश है वो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और जो गतिशील आवेश है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। परंतु रियल के अंदर ऐसा नहीं है, रियल के अंदर जो गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहा है। अगर आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न करेगा। अगर इसी गति के अंदर अपने साथ में क्या जोड़ दें? त्वरण जोड़ दें, यानी आवेश जो है वो किस प्रकार की गति कर रहा हो? त्वरित गति कर रहा हो, यानी अपना आवेश जो है किस प्रकार से गतिशील है? त्वरित रूप से गतिशील है। तो उसमें विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगी होगी। आपके पास में क्या होगी? विद्युत चुंबकीय तरंगी होगी। ये मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में भी बताया था कि आपके शुरुआत के जो चार चैप्टर है वो किससे जुड़े हुए हैं? विद्युत क्षेत्र से जुड़े हैं। उसके बाद में धारा के चैप्टर आ जाते हैं, और फिर जो आपके चैप्टर आते हैं सातवां और आठवां, वो लगभग किसके बारे में आपको बताते हैं? इन दोनों क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो सातवां चैप्टर रहेगा वो आपका कौन से क्षेत्र के बारे में रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में रहेगा। फिर आप जब नौवां और दसवां चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ से दसवें के बाद में आपकी सेकेंड फिजिक्स का पार्ट शुरू हो जाता है, और लास्ट जो चैप्टर आता है सत्रहवां, वो फिर से किसके बारे में आता है? इसके बारे में आता है, विद्युत चुंब
विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि स्थिर आवेश की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और त्वरित रूप से अगर अपना आवेश जो है वो गतिशील हो तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो उत्पन्न होगी, ठीक है। तरंगों के बारे में आप लोग 17 नंबर चैप्टर में पढ़ लोगे, वैसे आप लोग 11वीं क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ चुके हो तरंगें क्या होती है। और एक दो बातें अगर और अपनी बात की जाए तो आवेश का जो निस्सरता का गुण था, संरक्षण का गुण था, वह मैंने आपको बता दिया था कि अपने जहाँ भी आवेश होगा वहाँ द्रव्यमान होना जरूरी है, ठीक है। अगर कहीं पर आवेश है तो वहाँ द्रव्यमान होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ द्रव्यमान हो वहाँ हमेशा क्या हो, आवेश हो। हमेशा आवेश होना उस जगह क्या है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और ना भी हो। जैसे आप लोगों ने देखा है न्यूट्रॉन की आप लोगों ने बात की है, तो न्यूट्रॉन के अंदर द्रव्यमान तो होता है पर न्यूट्रॉन के अंदर आवेश जो है वो नहीं होता है। पर जहाँ आवेश होगा वहाँ द्रव्यमान होना जरूरी है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। पर द्रव्यमान अगर कहीं पर हो तो वहाँ आवेश हो भी सकता है, जैसे प्रोटोन वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया, वहाँ तो द्रव्यमान भी है और आवेश भी है। पर ऐसे भी आपके पास में एग्जाम्पल है, जैसे न्यूट्रॉन वगैरह हो गया, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्या है, द्रव्यमान है, यहाँ आवेश नहीं है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें थी जो आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में पता होनी जरूरी है। ये लास्ट जो अपने बात की इम्पोर्टेंट है, स्थिर आवेश की वजह से, गतिशील आवेश की वजह से और त्वरित आवेश की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसी भी चैप्टर के जो मार्क है वहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की। जो अपना अगला चैप्टर है वो है गॉस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो दूसरा चैप्टर है अपना और चैप्टर का नाम है गॉस का नियम। तो अपने बात करेंगे गॉस के नियम के बारे में और उसके बाद में अपने बात करेंगे इसके अनुप्रयोग के बारे में। तो अपना जो चैप्टर है वो क्या है, गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो हर बार अपने जब चैप्टर शुरू करते हैं तो जो चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक काफ़ी बाद में आता है, शुरुआत के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक अपने आते हैं। तो उसी प्रकार जो आपका ये चैप्टर है गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गॉस का नियम पढ़ने से पहले आपको कुछ एक बातों का पता होना जरूरी है। और उसके अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो आती है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स तो अपने सेकेंड चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या होती है, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे ये मान लो कि अपने पास में इस साइड से क्या आ रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है और इसके बीच में अपने इस प्रकार से क्या रख दिया, एक पृष्ठ रख दिया। तो देखो इस साइड से क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, पृष्ठ रखा हुआ है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से क्या हो जाएगी, इससे बाहर निकल जाएगी। तो अपने क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत देखना, सिर्फ लंबवत नहीं है, अभिलंबवत है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो
अब से अगर पूछा जाए विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है अपने क्या होगी, वो संख्या जो है अपने विद्युत फ्लक्स होगी। जैसे आप लोग ये मान सकते हो कि अपने पास में इस प्रकार से क्या है, एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, ये कहाँ स्थित है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, और इसके इस तरीके से क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। अब ई वेक्टर लिख दिया, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाते हैं, कुछ रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं, वो रेखाएं कौन सी होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक है। तो इस तरफ अपने क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इसके लंबवत क्या है, डी ए वैक्टर है, ठीक है, इसके लंबवत क्या है, डी ए वैक्टर है। तो ये अपने इसका क्षेत्रफल आ गया, और ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और इनके मध्य अगर कोण की बात करें तो इनके मध्य कोण कितना है, थीटा है, इन दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। अगर अपने इस डी ए वैक्टर का ई की दिशा में घटक देखें तो वो घटक क्या होगा, वो घटक होगा डी ए कोस थीटा, वो घटक क्या होगा, डी ए कोस थीटा होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल अपने लेते हैं, जो क्षेत्रफल सदिश जो अपने होता है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, क्षेत्रफल के लंबवत पृष्ठ से बाहर की होती है, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल है, इसकी दिशा कहाँ होगी, ये जो अपने पृष्ठ है ये बिल्कुल अपने वर्ग की आकृति है, पर अपने इसे सामने से देख रहे हैं इसलिए इस प्रकार का बना दिया, तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर किसकी दिशा होगी, डी ए वैक्टर की दिशा होगी। तो डी ए वैक्टर जो है इसका ई वैक्टर की दिशा में घटक क्या आएगा, वो आएगा डी ए कोस थीटा। अब देखो आगे अपने क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं फ्लक्स जो होती है इसको फाई ई से लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। देखो फ्लक्स को सीधा सीधा अपने किससे लिखेंगे, फाई से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, फाई से लिखेंगे, पर आपके आने वाले चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र भी आएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, ठीक है, यानी विद्युत फ्लक्स भी आएगी और चुंबकीय फ्लक्स भी आएगी, तो दोनों में फर्क करने के लिए इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, फाई ई लिखा हुआ है। अगर आप लोग लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ये ठीक है, पर ध्यान रखना जब दोनों फ्लक्स की बात एक साथ करेंगे, विद्युत फ्लक्स की और चुंबकीय फ्लक्स की, तो इसको अपने किसके द्वारा दर्शा देंगे, फाई, और साथ में इसके यहाँ क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, तो फाई ई के द्वारा अपने क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेंगे। तो अपना जो फाई ई है, अल्पांश की बात कर रहे हैं, ये देखो क्षेत्रफल अल्पांश के रूप में लिया है अपने, तो अपने पास में फ्लक्स भी किसके रूप में आएगी, डी फाई ई के रूप में आएगी, तो डी फाई ई किसके इक्वल आएगा, ई और साथ में डी ए कोस थीटा, इन दोनों का गुणनफल जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा डी फाई ई के इक्वल। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आप लोग इसे लिख सकते हो डी फाई ई इक्वल ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, क्या लिख सकते हो, ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, कोस थीटा है और थीटा जो है वो किसके बीच का कोण है, ई और डी ए के बीच का कोण है, बिल्कुल देख सकते हो ई और डी ए के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, वैक्टर लगा सकते हो दोनों के, और बीच में क्या लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो, तो डी फाई ई किसके इक्वल है, ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर के इक्वल है। अगर आप लोग इसका समाकलन कर दो, आप लोग क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। तो ये किसका सूत्र बन गया, ये फ्लक्स का सूत्र बन गया। अगर बंद पृष्ठ की बात की जाए, यानी अगर आप लोग बात करोगे बंद पृष्ठ की, किसकी बात करो, बंद पृष्ठ की बात करो, तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा फाई ई इक्वल समाकलन बंद पृष्ठ के लिए और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। स्नीकर नंबर लगाओ तो इसे एक लगा देना और इसे आप लोग दो लगा देना, आई बात सुनवे। तो आपने क्या लिखा, फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका समाकलन किया, और बंद पृष्ठ के लिए लिखा तो आपने क्या लिख दिया, फाई ई समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा, 11वीं क्लास के अंदर आपने बहुत पढ़ा है, समाकलन पढ़ चुके हो, तो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ, अगर ये एक वृत्त का निशान लगा दें, यानी इस लाइन के ऊपर अपने क्या करते हैं, जो समाकलन वाली लाइन है इसके ऊपर अगर एक वृत्त का निशान आप बना देते हो, तो ये समाकलन किसके लिए बन जाता है, बंद पृष्ठ के लिए बन जाता है, ठीक है। बंद आकृति जो होती है ना, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, एक वृत्त का साइन लगाया जाता है। और नीचे जो मैंने एस लिख दिया है, एस, ये एस किसको बता रहा है, पृष्ठ को बता रहा है, यानी जो सरफेस है उसको दर्शाने के लिए अपने क्या लिख दिया है, एस लिख दिया। तो पूरी बात देखना, अपने जो
ये पूरा लिखा है यहाँ पर। वर्त तो किसको बता रहा है, बंद को बता रहा है, और एस जो है किसको बता रहा है, पृष्ठ को बता रहा है। तो बंद पृष्ठ के लिए जब अपने बात करेंगे तो समाकलन के जो है वर्त का निशान लगा देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, इसके एस लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि बंद पृष्ठ के लिए अगर बात करोगे तो फाई ई इक्वल समाकलन ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, और यहाँ पर क्या लगेगा, एस लिखेगा। तो ये क्या है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। कुछ एक बातें अपने और कर लेते हैं, जैसे मात्रक की बात करें और अगर इसकी विमा की बात करें, तो जब अपने मात्रक की बात करेंगे, जब अपने मात्रक की बात करेंगे तो इस जगह से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से अगर आप देखो तो आपके साथ में एक तो लिखा हुआ है ई और एक लिखा हुआ है ए, ठीक है। सिर्फ मात्रक के लिए मैंने डी ए को हटा दिया यहाँ से, तो एक तो लिखा हुआ है ई और एक क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ये देखो इस जगह क्या है, इस जगह विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखा था, F अपॉन क्यू, आपको याद होगा F इक्वल क्यू ई आपने लिखा था, E इक्वल F अपॉन क्यू। चैप्टर फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, और साथ में इसके क्या है, A है। तो यहाँ से मात्रक देखो तो न्यूटन, यहाँ से देखो तो कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम तो ई के लिए आ गया, और इसके लिए क्या आएगा, मीटर स्क्वेयर आएगा। अभी बात सुन में, इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलाम आएगा। एक और मात्रक साथ के साथ आपको बता देता हूँ, वो है वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर की बात जब अपने आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे ही आप लोग तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ मैं आपको फिर से ये बता दूंगा कि ये वोल्ट इंटू मीटर जो है वो कहाँ से है। वोल्ट विभव के लिए जो अपने लिखते हैं, मीटर अपने दूरी के लिए जो लिखते हैं, जो संधारित्र वाला चैप्टर है, वहाँ बार बार आप लोग एक टर्म पढ़ोगे वहाँ से आप लोग ये मात्रक देख सकोगे। तो अभी के लिए आप लोग ये मात्रक याद रखना कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलाम होता है। एक बात आप ज़रूर याद रखना कि मात्रक जो है आपको सभी प्रकार का पता होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ ये नहीं कर सकोगे कि ये आपने रट लिया कि ये इसका मात्रक है, और ठीक है एग्जाम में ये पूछेगा आपसे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए, आपने ये लिख दिया, प्रश्न ठीक हो जाएगा। एक बार आपको अगर याद हो, अगर पुराने पेपर आप लोगों ने देखे हो तो वहाँ पर पूछा गया था कि अपने जूल पर कूलाम जो है वो किसका मात्रक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जूल पर कूलाम जो है वो किसका मात्रक होता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन आया था ये बिल्कुल आसान आया था, ठीक है, इसे तो आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो, इसे आप लोग आराम से सोल्व कर सकते थे जूल पर कूलाम को। तो पर हो सकता है वहाँ पर ऐसा भी मात्रक लिखा हुआ जाए कि वोल्ट इनटू मीटर जो है वो किसका मात्रक है। ये अपने इस चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, पर जब 17 चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे बहुत सारे मात्रक आ जाएंगे। वोल्ट इनटू मीटर है, वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट गुणा मीटर है, वी इनटू एम है, मतलब बहुत सारे ऐसे मात्रक आ जाएंगे स्क्वेयर वगैरह के साथ में, तो उस जगह आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो अभी से याद रख लेना कि एक तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलाम है, और वोल्ट इनटू अगर मीटर की बात करेंगे तो वो भी किसका मात्रक है, वो मात्रक भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो मात्रक आपको बनाने आने जरूरी है, इसके लिए आपको सभी प्रकार के फॉर्मूले जो है वो पता होना जरूरी है कि किन किन फॉर्मूलों के अंदर आपकी ये राशियां जो आती है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, ठीक है। विमा, विमा आप लोग निकाल लेना, ये देखो ये न्यूटन है, न्यूटन बल के लिए आता है, तो एम वन एल वन टी माइनस टू किसकी विमा होती है, बल की होती है। ये मीटर दूरी की विमा आप लोग लिख दोगे दो बार, और ये क्या लिखा हुआ है, कूलाम लिखा हुआ है। कितनी बार आपने पढ़ ली है कि आई इक्वल क्यू इंटू टी, क्यू इक्वल आई इंटू टी, यानी अपने जो धारा की और जो समय की विमा है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ए वन टी वन को अपने साथ में कहाँ लिख देंगे, इसके बाग में लिख देंगे। तो ऊपर वाली टर्म के अंदर तो एम वन एल वन टी माइनस टू, और यहाँ एल टू आ जाएगा, और बाग के अंदर अपने क्या कर देंगे, ए वन और टी वन को लिख देंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स की जो है वो विमा मिल जाएगी। विमा आप लोग आराम से निकाल लोगे, पर कम से कम आपको इसके जो मात्रक है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मात्रक याद रखने के लिए आपको इसके जो फॉर्मूले आते हैं वो सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो फॉर्मूले याद रख लेना, ये अपने बात थी विद्युत फ्लक्स की। अब अपने विद्युत फ्लक्स के स्पेशल केस की बात कर लेते हैं कि स्पेशल केस इसके अंदर क्या क्या बनते हैं। देखो स्पेशल केस इसके, एक तो फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, फाई ई इक्वल समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर। जब इलेक्ट्रोस्टेट के शुरुआत के चार चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको टोटल फॉर्मूले बता दूंगा चारों चैप्टर के, जितने मात्रक आए हैं, जितनी विमाएँ आई हैं, वो सभी के सभी मैं एक साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फाई ई किसके इक्वल है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, उसके समाकलन के इक्वल है, या आप लोग एस जो है वो लिख सकते हो। अब देखो अपने बात करनी है इसके स्पेशल केस की, तो स्पेशल केस के अंदर अपने बात कर लेते हैं केस फर्स्ट की।
अभी हमने डायग्राम बनाया था उसी प्रकार का एक डायग्राम और बनाते हैं, जैसे ये है। अगर क्या हो, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, यानी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, तो इसमें आपके पास में जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, जीरो डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, जीरो डिग्री बनेगा। और जब आप इसे खोलोगे तो ये क्या बनता है, ये बनता है ई और एस ई डी ए कोस थीटा बनता है। कोस जीरो लिख दूँ, कोस जीरो भी साथ में लिख दिया, तो कोस जीरो का जब मान देखोगे आप लोग, कोस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। और जैसे ही आप लोग ये मान रखोगे तो फाई ई जो है वो आपका कितना आएगा, वो आएगा समाकलन एस ई डी ए, क्योंकि यहाँ से कोस जीरो का मान तो कितना हो गया, एक हो गया। कोस जीरो का मान तो कितना हो गया, एक हो गया। अब देखो फाई ई इक्वल ई को बार लिख दो और क्या बनेगा, ये बनेगा। और मान लेते हैं ये जो प्रश्न है इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए। यानी यहाँ पर जो अनुपात था उसका क्षेत्रफल तो हमने डी ए ले लिया, और संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल कितना है, ए। तो फाई ई किसके इक्वल आएगा, ये आएगा ई ए के इक्वल, ठीक है। इसका समाकलन अपने ए हो जाएगा, जो बंद प्रश्न है इसका समाकलन ई ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो फ्लक्स का मान आया है वो क्या है, धनात्मक आया है। ये जो फ्लक्स है ये क्या है, धनात्मक है, अधिकतम है। और दूसरा ये फ्लक्स जो है वो क्या हो रही है, यहाँ से निर्गत हो रही है। पृष्ठ से फ्लक्स जो है वो क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। अगर आप लोग थीटा इक्वल क्या रखते हो, जीरो डिग्री रखते हो। दूसरा, दूसरे केस की अगर आप लोग बात करो, केस सेकंड की, तो आप लोग लिख सकते हो ये जो डायग्राम है इसे इस प्रकार से बना दो। इस साइड डी ए वैक्टर दर्शा दो और इस तरफ क्या करोगे, ई वेक्टर को दर्शा दोगे, और यहाँ कोण कितना कर दोगे, 90 डिग्री कर दोगे। तो इस लाइन से शुरू कर देता हूँ, देखो थीटा इक्वल 90 डिग्री, कोस 90 का मान कितना, जीरो, और फाई ई कितना आ जाएगा, फाई ई जो है वो आ जाएगा यहाँ से। देखो समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ई डी ए और कोस 90, कोस 90 कितना, जीरो, तो ये टोटल टर्म भी कितनी, जीरो, तो फाई ई का मान क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स का मान कितना होगा, जीरो होगा। फ्लक्स का मान जीरो होने का मतलब ना तो फ्लक्स आएंगी ना फ्लक्स जाएंगी। तीसरा अगर अपने देखें, तीसरा केस थर्ड लिख देता हूँ, केस थर्ड। यहाँ अगर अपने बात करें तो थीटा का जो मान है वो कितना है, 180 डिग्री है। कोस 180 का मान आपको पता होना चाहिए कितना है, माइनस का एक है, ठीक है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कल भी जो टो वाला किया था वहाँ भी साइन 180 लिखा था, यहाँ भी कोस 180 लिख दिया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि जो अपने टेबल याद करनी है वो 180 तक याद करनी है। आप लोगों ने अब तक टेबल 0, 30, 60, 90 वहीं तक याद किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 180 तक आपको याद करनी है टेबल। कुछ एक मान जो है जैसे साइन का, कोस का, ये मान जो है अपने इसके अंदर काम में आएंगे, तो ये मान याद कर लेना। तो कोस 180 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है। बायो के स्टूडेंट स्पेशल इन मान को अलग से लिख लेना कि कोस का कितना होता है, साइन का कितना होता है। कुछ एक साइन कोस के फॉर्मूले बीच में काम में आएंगे, तो उनको साथ के साथ लिखते जाना और याद कर लेना, ठीक है। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कुछ एक टॉपिक है जो साइन और कोस के हैं। तो कोस 180 का मान कितना है, माइनस का एक है। अब देखो इसी प्रकार का केस अगर अपने इसका बनाए तो ये बनेगा फाई ई इक्वल समाकलन ई डी ए और कोस 180, तो ये बनेगा फाई ई इक्वल समाकलन ई डी ए और कोस 180 का मान कितना है, माइनस का एक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फाई ई जो है वो कितना आएगा, माइनस का ई। समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ज़रूर लिखना है, तो ई ए और यहाँ क्या लिखा हुआ है, समाकलन बंद पृष्ठ के लिए, और इसका बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो फाई ई का मान कितना आ जाएगा, माइनस का ई ए आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी तीसरी समीकरण बनती है। और अगर डायग्राम इसका आप लोग बनाना चाहो तो इस प्रकार का डायग्राम भी आप लोग इसके साथ में बना सकते हो कि ई वैक्टर को अगर आप इस तरफ रखो तो डी ए वैक्टर जो है इसके दूसरी साइड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर आ जाएगा, और दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। यहाँ से देखो अगर 180 डिग्री कोण होगा तो मान कितना आएगा, माइनस का ई ए आएगा। ये जो फ्लक्स है ये किस प्रकार की आएगी, ऋणात्मक आएगी। और यहाँ देखो फ्लक्स जो है वो निर्गत हो रही थी, यहाँ जो फ्लक्स है वो किस प्रकार की आएगी, वो प्रवेशित फ्लक्स आएगी, प्रवेशित फ्लक्स आएगी। यानी
फ्लक्स जो है वो इस जगह क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अगर मान धनात्मक है तो ये डायग्राम बनेगा और फ्लक्स क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, और यहाँ जो है वो फ्लक्स प्रवेश करेगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ तीन केस बनते हैं, पहला केस 0 डिग्री का, दूसरा 90 डिग्री का, और तीसरा जो अपने केस बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। यहाँ फ्लक्स जो है वो अधिकतम आ रही है फाई इक्वल ई ए, यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है फाई ई इक्वल माइनस का ई ए आ रहा है। अब देखो अगर इसको अपने सामान्य रूप में देखें कि अगर फ्लक्स की अपने को बात करनी हो और सामान्य रूप में अपने को देखना हो कि फ्लक्स वाला ये जो टॉपिक है अपने को क्या बताता है, तो अपने किसी की एक की बात कर लेते हैं। जैसे ये मान लो अपने पास में एक प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न को आप इस प्रकार से रखते हो सीधा, और ये इस साइड से क्या जा रही है, फ्लक्स जा रही है, जो अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या हो रही है, इस प्रकार से जा रही है। अब आप देख सकते हो कि ये यदि इस प्रकार से जा रही है यहाँ से, तो आपका कौन सा केस बनता है, आपका या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा। अगर आप लोग ये मानो कि क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ है, क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ है और ये इस साइड आ रही है, तो दोनों की दिशा क्या बन रही है, यहाँ अपोजिट बन रही है। अगर आप ये मानो कि फ्लक्स जो है वो भी इसी तरफ जा रही है और क्षेत्रफल की दिशा भी इसी तरफ है, तो आपका ये प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसे बिल्कुल सीधा रख देते हो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में आप क्या कर देते हो, सीधा रख देते हो, तो कंप्लीट जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ हैं इसके अंदर प्रवेश करेगी और दूसरी साइड से वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इस केस की अगर बात करें तो मान लें कि इस प्रकार से क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ जा रही है और आपने इसे क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा रख दिया। अगर आप इसे सीधा रखते हो तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ वो इसके फ्रेम से टकरा करके रह जाएगी, ये जो आपका प्रश्न बन रहा है इसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएँ वो नहीं गुजर पाएगी, तो आपका ये केस बनता है। इसमें क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ वो यहीं पर टकरा करके रह जाएगी, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हो कि किसी जगह से यदि पानी निकल रहा हो और आप एक आयताकार फ्रेम बना करके उस पानी के अंदर रख देते हो, अगर आप इसे बिल्कुल सीधा रखते हो तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि क्षेत्रफल की दिशा किस ओर है। और अगर आप फ्रेम को बिल्कुल सीधा रख दो इस प्रकार से, तो वहाँ जो कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा और आपके पास में ये केस बनेगा, उससे होकर के बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है, तो कौन सा केस बनता है, ये बनता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की और विद्युत फ्लक्स की, तो जब आप लोग इसे 0 डिग्री के कोण के साथ रखोगे तो फ्लक्स अधिकतम जाएगा, धनात्मक होगा, और क्या बोलोगे, फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये अपने बात थी विद्युत फ्लक्स की। इसके बाद में अपने आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सतत आवेश वितरण। देखो अपना टॉपिक है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसके तीन चार पार्ट अपने पढ़ेंगे, वो अपने कल पढ़ेंगे, पर अपने सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं सतत आवेश वितरण की, कि सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि आवेश जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, किसी पृष्ठ के अंदर, किसी तार के अंदर, आवेश जो है किसी तार के अंदर, किसी पृष्ठ के अंदर या किसी आयतन के अंदर, पृष्ठ में, तार में या आयतन में। तो तार, पृष्ठ और आयतन, इसे आप रेखा भी बोल सकते हो, किसी रेखा में या किसी क्षेत्रफल में, अगर इसे क्षेत्रफल बोलो तो, या किसी आयतन में अपने क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। अगर आवेश का वितरण जो है, आवेश का वितरण जो है इस प्रकार से हो कि आवेश जो है, जैसे ये मान लो एक पृष्ठ है और इसमें आपको क्या करना है, आवेश को वितरित करना है, ठीक है। और ये वितरण जो है कुछ इस प्रकार से आप कर दो कि इन आवेशों के मध्य दूरी क्या हो, बिल्कुल अलग हो। आवेशों के जो मध्य दूरी है, मध्य दूरी ये अगर क्या हो, बिल्कुल अलग हो, तो इसमें जो आवेश का वितरण होगा वो किस प्रकार का होगा, सतत आवेश वितरण होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि आवेश का वितरण यदि इस प्रकार से किया जाए कि आवेशों के मध्य दूरी बिल्कुल अलग हो, तो वो जो वितरण होता है वो क्या कहलाता है, आवेश का सतत वितरण कहलाता है, ठीक है। आवेश का जो सतत वितरण है, ये तीन प्रकार का वितरण होता है। जो सबसे पहले आपके आता है वो आता है रेखीय आवेश वितरण, जो सबसे पहला आता है वो आता है रेखीय आवेश
वितर, ठीक है। इसकी हमने बात करेंगे कल कि एक रेखा के अनुदेश अगर आवेश वितरित हो तो वो कौन सा होगा, रेखीय आवेश वितरण होगा। फिर दूसरा आता है पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, कि यदि आवेश का जो वितरण है वो किसके अंदर हो, एक पृष्ठ के अंदर हो तो वो कौन सा वितरण होगा, वो पृष्ठ आवेश वितरण होगा। तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण, इसके बारे में भी बात करेंगे, आयतन आवेश वितरण, कि यदि आवेश जो है वो एक आयतन के अंदर वितरित हो तो वो किस प्रकार का वितरण होता है, वो आयतन आवेश वितरण होता है। तो आवेश का जो वितरण है अपने तीन प्रकार का, एक होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और जो तीसरा होता है वो होता है आयतन आवेश वितरण। ये जो तीनों प्रकार के वितरण है, ये किस प्रकार के वितरण है, ये तीनों वितरण अपने सतत आवेश